सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। इस बार 10 सालों के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, सभी लोग अपनी तरह से इस इलेक्शन को लेकर खुश हैं। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा वर्ग है, आप कह लें कि 1.5 लाख से ज्यादा ऐसी जनता है जिसने कभी आज तक वोट डाला ही नहीं। यानी कि आज हम लोग तो कह रहे हैं कि कभी हमें कुछ दे दो, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, आप हमें वोट दो। लेकिन इन 1.5 लाख जनता के लिए किसी ने नहीं सोचा, ये हैं वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। 70 साल कांग्रेस की सरकार ने इनको सिर्फ झांसा ही दिया कि आपको हम अधिकार देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई और उनका दृढ़ निश्चय, 2019 5 अगस्त का वो दिन, 370 तोड़ दिया गया और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को मिले अधिकार। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को जब अधिकार मिले तो आज वो पहली बार वोट डालने के काबिल हुए हैं। यानी कि इस बार इलेक्शन में पहली बार वो लोग वोट डालेंगे। लाबाराम जी, बस आप बताएंगे कितने खुश हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो लोग इस बार पहली बार वोट डालेंगे। बिल्कुल जी, हमारी खुशी का गोली साहब कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारे जो बच्चे हैं, जितना परिवार हैं, आने वाले जनरेशन हैं, सारे के सारे इतने खुश हैं कि हमें एक वोटिंग राइट मिला है, जिसका हम पहली तरीक को अपनी तरफ से यहाँ वोट डालने जाएंगे। इससे पहले तो इतनी मायूसी हमारे परिवारों में होती थी, जब भी कभी इलेक्शन का समय आता तो हमारे लोग जो थे, लोग मोहल्ले वाले वोट डालने जाते थे लेकिन हमारे वाले घरों के अंदर बैठ जाते थे। मतलब अगर गली में जाते थे तो दूसरा पड़ोसी बोलता था, यार आप पाकिस्तानी हो, आप जहाँ वोट नहीं डाल सकते। मतलब एक इतनी बड़ी गाली जो थी वो हमारे बच्चों को दी जाती थी। और जो नौजवान जिनका बर्थ जहाँ हुआ था, उनको क्या पता था कि इशू क्या है। लेकिन गलती से कोई अगर नौजवान लाइन में लग जाता था वोट डालने के लिए, उसको पता है डेमोक्रेसी है, वोटिंग राइट है, हम भी डालते हैं, तो उसको बेचारे को ना खींच के बाहर निकाल देते थे लाइन से कि यार आप पाकिस्तानी हो, आपका जहाँ जम्मू में कोई वोटिंग राइट नहीं है। तो बहुत बड़ा दुख होता था। मैं आपको बता दूं कि एक हमारा नौजवान था जहाँ जीडी के पास एक गांव में है, तो उसने तो वोटिंग वाले दिन दुखी होकर चुनाव दरिया में छलांग लगा दी कि यार मैं, हमें क्या फ़ायदा है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में रह के अगर हमारे पास वोटिंग राइट नहीं है। तो वो पहले कंपेनिंग कर रहा था सरदार डीएसपी जग्गा जिनको बोलते हैं, उनके साथ वो काफ़ी उसने कंपेनिंग वगैरह की। लेकिन वो कंपेनिंग करते करते जिस दिन वोटिंग का टाइम आया तो वो वोटिंग से वंचित हो गया। फिर वो अपने घर नहीं गया, वो सीधा चिनाब दरिया के पास चला गया, वहाँ अखनूर जाके उसने लगा दी उसमें दरिया में। तो मैं कहता हूँ कि इतना दुख बड़ा समय हमारे लोगों ने देखा है। आप बार बार उस समय ऐसे कहते थे, आप पाकिस्तान से आए हो, पाकिस्तानी हो, कितना उस समय दुख होता था। ये मानसिकता थी यहाँ के जो नुमाइंदे थे ना, जो मोहल्ले वाले जिनको पता था बुजुर्गों को कि ये इनके जो दादाजी हैं वो वहां से आए, उनको ये नहीं पता था कि ये हिंदुस्तान से आए हैं। उस तरफ उनका ध्यान नहीं था, ध्यान वही तक भी वो पाकिस्तान बन गए जो पाकिस्तान से आया। भाई अगर जो पढ़े लिखे नौजवान था उसको तो समझती कि बंटवारा होने के बाद ये लोग जहाँ आगे, पाकिस्तान तो बाद में बना। अगर जो पाकिस्तान से आते तो हम इनको पाकिस्तानी बोलते, लेकिन एक लेबल लग गया था, गाली लग गई थी। और वो गाली मैंने जहाँ, मुझे पार्लियामेंट में भी एक बार मौका मिला, मैंने वहाँ भी बोला, माँ जी आपने हमारे बच्चों को, जम्मू कश्मीर को आपने वहाँ क्या पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। तो कांग्रेस के नवीन जिंदल जी थे, आज तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो उन्होंने खड़े होकर मुझे कहा, जी गांधी जी आप गलत बोल रहे हैं। माँ जी मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरे घर में बच्चा पैदा होगा उसको पाकिस्तानी, मेरे पड़ोस में बच्चा पैदा होगा वो जम्मू कश्मीर का नागरिक, वो हिंदुस्तानी। भाई इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। अब 10 सालों के बाद आप वोट डालने जा रहे हैं, कितनी खुशी है, और इस बारी कैसे जाएंगे आप वोट डालने? मतलब इतने साल देखिए, हमारा फर्स्ट पहली बार वोट डालने का जो अधिकार है, इससे पहले हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जहाँ इलेक्शन हुई उस समय हमारा वोटिंग राइट जो था वो हमें मिल गया था। तो उसमें हमने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारा एक नौजवान था, एक मैंने उसको सरपंच के लिए भी नॉमिनेट किया था, बात किस्मत उसकी रही कि वो जीत ना सका। लेकिन उसके बाद आज जब हमारा जो प्रोग्राम है, तो मैंने तकरीबन सभी लोगों को कहा कि उस दिन एक तो अपने घरों में
अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, मिठाइयाँ बांटो। दूसरा, जहाँ पे हमारी ज़्यादा आबादी है वहाँ हम पूरा ढोल वगैरह लेके नाचते गाते पूरे जूम के साथ जाएंगे वोट डालने के लिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि जम्मू में ऐसा एक वर्ग था जिनको पहली मरतबा वोटिंग राइट मिला और जो आज उसका उस वोट को कास्ट करने जा आपके लिए 1 अक्टूबर एक किस्म का दिवाली का दिन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 1 अक्टूबर जो है वो दिवाली का दिन है, उसके बाद दूसरे दिन तो ऑटोमेटिकली छुट्टी है, गांधी जयंती है, तो हम इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। ये हमने फैसला पहले ही कर लिया। पहले की सरकारों ने क्यों उनके अंदर ये उनमें क्यों नहीं आया कि आपको अधिकार दें? मोदी जी ने ही क्यों सोचा? मतलब आप लोगों का दर्द क्या उनको दिखता नहीं था? देखिए आशीष, या सिर्फ आतंकवादियों का दर्द दिखता था? नहीं नहीं आशीष जी, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि हमारा संघर्ष तो काफी देर से चल रहा था, लेकिन समस्या ये बार बार यही आती थी कि ये लोग जो हैं जो ज़्यादा तादाद में हैं, कल को ऐसा ना हो कि अगर इन लोगों को सिटीजनशिप राइट दे देते हैं जहाँ जम्मू में, तो जहाँ की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, बढ़ जाएंगी, तो उससे जो कश्मीर की जो कश्मीर के हुक्मरान थे उनको तकलीफ होती है कि अगर जम्मू में सीटें बढ़ेंगी तो ऐसा ना हो कि हमारी जो कुर्सी है वो चली जाए। तो मनसा जो थी वो ऐसे ही थी, मतलब किसी ने कान भर दिए कि ये 10 लाख लोग हैं, किसी ने कान भर दिए ये 8 लाख लोग हैं, तो सारा जो समस्या थी ये पूरी ऐसे ही थी, मतलब कोई किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि आप इनके फिगर्स लो, किस गांव में कितने लोग रहते हैं, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं 2005 में प्रेसिडेंट बना तो उस समय मुझे, मैं आपको बता दूं, एक दुख हुआ जब मैं दिल्ली गया पहली दफ़ा, तो मैंने वहां मिस्टर कक्कर थे MHA में, तो मैंने उनसे कहा कि हम वेस्ट पाकिस्तान फौजी हैं लेकिन हमें जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर की हमें नागरिकता है। तो बोलता आप भारत के नागरिक हो? माँ जी बिल्कुल हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास राशन कार्ड गवर्नमेंट ने दिया, बाकी हमारे पास और कुछ नहीं है, कहाँ जम्मू में रह रहे हैं इतना है हमारे पास, रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पार्लियामेंट में तो बिल पास हो गया एक, और उस बिल में 96 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसे उन्होंने पूरे ऑल ऑफ हिंदुस्तान का एक बिल पास कर दिया कि जितने भी लोग 1947 में आए थे ऑल आर वेल सेटल्ड, अभी कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको हमने सेटल करना है, तो उसमें हम भी आ गए। तो फिर हमने सोचा यार अभी हमारा बनेगा क्या? और मैं आपको बता दूं आशीष जी, मैं 9 महीने लगातार दुख के मारे में बैठ गया पार्लियामेंट के बाहर धरने पे जंतर मंतर में, यानी कि 17 अगस्त को मैं धरने पे बैठा और 17 मई को मैं वहां से उठा। 9 महीने कंटिन्यू वहां बैठने के बाद रोज CID रिपोर्टें, सारा सिस्टम जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाने लगा। फिर मैं होम मिनिस्टर से मिला, शिवराज पाटिल जी से भी मिला, मनमोहन सिंह जी से, प्राइम मिनिस्टर से भी मिला, मैं 2 बार मिला उनसे भी। फिर जब मैंने पूरी बात वहां तक पहुंचाई, इवन के मैडम सोनिया जी को भी मैं मिला, किसी के रास्ते से उनको भी मैंने बोला कि हमारे पास ये समस्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब 2014 आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने हमारे साथ सरकार बनते ही वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस मसले को हल करेंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। इसलिए हमारे जो लोग हैं उनको कभी नहीं भूलेंगे। आज देखिए इलेक्शन का दौर है, हमारे जितने भी परिवार हैं सारे के सारे BJP के गुणगान कर रहे हैं, सब ने फैसला लिया है कि कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जम्मू में सरकार बने और हमारा अपना चीफ मिनिस्टर बने, ताकि जितनी भी पेंडिंग डिमांड्स हैं हमारे रिफ्यूजीज की वो सारी दूर हो सके। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए लाबाराम जी, थैंक यू। ये वो लोग हैं जिनको कभी अधिकार नहीं दिया 70 सालों तक कांग्रेस ने, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इनको अधिकार मिले। मैं उन लोगों से छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा जो आजकल सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं और रोज बोलते हैं हमें 370 के बाद क्या मिला, जम्मू को 370 के बाद क्या मिला। आपको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के बारे में पता है? इंटेलेक्चुअल तो आप बन गए अपने आप से खुद ही सोशल मीडिया पर, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की आंखों के आंसू देखे आपने? एक लड़का जिसको वोटिंग लाइन से बाहर निकाल दिया गया पोलिंग स्टेशन से, उसने चनाब दरिया में मतलब वहां पर कूद गया। 370 के बाद क्या मिला पूछने वालों, मैं आपको एक छोटा सा जवाब देता हूं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हमारी भाइयों हमारी बहनों को वोट डालने का अधिकार मिला। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं 370 के बाद क्या मिला, कभी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के बारे में भी सोच के देखो। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के कहने के ऊपर चला रही हैं।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हमारे अपने लोग हैं। मोदी जी ने 2019 में 370 तोड़कर इनको अधिकार दिए, तो क्या गलत किया? जो 370 मांगते हैं वो बताइए आज इन 30,000 के करीब फैमिलियों को क्या मुंह दिखाएंगे? धन्यवाद। राम राम।